गाइस, अगर आपको बोल दे कि एक जो है रातों रात में घर या गांव खाली करना पड़ रहा है, तो गाइस पॉसिबल है या अनपॉसिबल है? गाइस मुझे तो जितना लगता है गाइस कि अनपॉसिबल है। गाइस गांव की बात है ना कि कोई घर खाली करना होता है, एक गांव खाली करना है एक रात के अंदर बहुत ही मुश्किल क्या होता ही नहीं है गाइस। फैमिली होती है, सामान होता है, बहुत कुछ चीज़ों को लेके समझना सोचना पड़ता है गाइस। लेकिन गाइस आज हम आए ऐसे ही एक गांव के अंदर गाइस। इसको जो है दुनिया के सबसे मोस्ट हंटेड पैलेस भी कहा जाता है, यानी कि दुनिया की सबसे डरावनी जगह भूतिया गांव है गाइस। यहाँ पर जो है अब मैं यहीं पर खड़ा हूँ गाइस, डायरेक्ट यहाँ से ही आप लोगों को सीधा बता रहा हूँ गाइस। गाइस अब हम भी पहली बार आए हैं गाइस, हमने भी एक दो वीडियो देखे थे गाइस, तो हमने सोचा क्यों ना यार हमारी जो फैमिली है उनको भी बता दे गाइस यार कि वास्तव में वहाँ पे जाने के बाद नज़ारा कैसा है, वहाँ पे गांव जो है वो कैसा है, दिखने में कैसा है, वहाँ पे लोग है या नहीं है। तो गाइस मैं हूँ अकेला और मेरे साथ है मेरा भाई कैमरा वाला है, ठीक है गाइस। आज की जो वीडियो है यहाँ पे होने वाली है, इस जगह का नाम आपको बता देता हूँ, दुनिया की मोस्ट हंटेड पैलेस कुलतरा गाइस। ये है गोल्डन सिटी जैसलमेर के थोड़ा बाहर ही है गाइस। तो आज की वीडियो को फटाफट से शुरू करने वाले, और गाइस यहाँ पर कहा जाता है कि रात के अंदर जो है कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर क्या बाहर रोड पर भी हम जब आए थे तो गाइस कुछ भी नज़ारा नहीं था गाइस, कुछ नहीं दिख रहे थे। अभी जो आपको बताने वाले हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कहा जाता है कि राजा महाराजा या मंत्री कह दीजिए जो भी पहले जो होते थे, तो गाइस उसने कुछ यहाँ पर, ये पहली बात तो ये गांव जो है किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए गाइस, यहाँ पर जो विधान वगैरह जो थे तो उन्होंने कुछ बोला था, इतना मुझे परफेक्ट आइडिया नहीं, लेकिन जितना सुना है मैंने देखा है नॉलेज वो गाइस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस आज वास्तव में हम देखते हैं कि ये जगह जो है वास्तव में कैसी है, तो फटाफट से आज की वीडियो और पूरा गाँव आपको बताते हैं। एक दो घर नहीं है गाइस, पूरा गाँव ऐसा कैसे ही गाइस। एक मिनट कैमरा इधर घुमाना, ये जो दिख रहे हैं आपको खंडर वगैरह सब खाली पड़ा है गाइस। ऐसे देखो तो आज क्यों ना आज गाइस इस गांव का जो है सफ़र करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर वास्तव में डरावनी कौन सी जगह है। अभी तो आगे तक बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ इस मेहनत के लिए लाइक का बटन ठोक देना है, प्लीज़ आपके भाई के लिए यार वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको और बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक का बटन तो तोड़ ही दो आप यार, क्योंकि हम यार आपके लिए बहुत दूर आए हैं गाइस, बहुत दूर। तो फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं, नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो एक दिन जो है हम और आएंगे, यहाँ पे नाइट होल्ड का भी प्लान बनाएंगे, लेकिन उसमें जो है आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बताओ यार गाइज, वैसे यार देखो अकेले घूमने में कहीं पर भी हो यार, हमारे गांव की भी बात कर लीजिए गाइज, यार अकेले घूमने में थोड़ा है ना लोग हिचकिचाते हैं गाइज, और उसके बाद में एक डर होता है कि गाइज ये जो जगह है इस तरह की जगह है गाइज, तो घूमने में जो है और भी डर लगता है गाइज। यहाँ पे कोई आस पास कोई है नहीं गाइज, यहाँ पे जो है पानी के लिए कुछ सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइज। ये देखो ये जो जगह है गाइज, देखो मैं ऊपर खड़ा हूँ, देखो गाइज दीवार पर खड़ा, और जो है यहाँ पर सारा पूरा गांव, एक पत्थर भी बजे ना गाइस तो फटती है, और आप लोगों के लिए आना बहुत जरूरी है गाइस, आपको बताने के लिए गाइस पूरा गांव पड़ा है गाइस। तो क्यों ना मैं आपको जो है सामने वाला कैमरा से चालू करके आपको सब कुछ समझा देता हूँ, ऐसे ऐसे मेन जो पॉइंट है यहाँ पे वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखो हम जो है यहाँ पे है, अभी ये जो घर है ये देखो सब ऐसे खाली पड़े हुए हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखो हम यहाँ से आए थे, वो यहाँ पे कच्चा रोड बना है, पक्का रोड भी नहीं है, वो भी बता दूँ मैं आपको। ये देखो पूरा जो है, चलो कोई नहीं यार हमारा सारा बन गई, ये बकरी आ गई, भेड़ बकरी है तो आई यहाँ पे यार। और यहाँ के इलाके में गाइस यार हमने देखे थे कि यहाँ पे जो है ये बकरी भेड़ बकरियाँ वगैरह तो ज़्यादा ही है, अगर कोई नहीं दिखे तो यहाँ पे तो वो दिखती है गाइस। चलो मेरा कैमरा वाला भी एक दो वीडियो अलग शूट कर रहा है, जब तक मैं भी अलग एक दो वीडियो शूट कर देता हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस। देखो क्या डर तो लगता ही है गाइस, देखो ना यार सब खाली पड़ी है, अंदर इसमें क्या है, अंदर क्या है, इधर क्या है, ओ बाप रे। देखो ये लोगों के आने जाने की जो पता नहीं रास्ते वगैरह थे यहाँ से, अबे बाप रे। ये देखो इधर भी और है,
बहुत बड़ा गांव है गाइस, मैं एक घर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा गांव है, वो भी डरावना। ये देखो यार, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आगे जो है ना महल वगैरह जो है वो सब चुने हैं, अंदर जाने में यार थोड़ा डर तो लगेगा ही, क्योंकि गाइस देखो अकेले है ना डर लगता है, डर सबको लगता है। यार आपने ये जो जगह है देखो ना यार गाइस, सब बताने वाले आपको गाइस। यार देखो ये अंदर जाते हैं, ऊपर जाते हैं गाइस, पूरे पत्थर के पत्थर है, गिर गए तो अरे ओ आपका भाई ऊपर जा रहा है, ठीक है ऊपर जा रहा हूँ गाइस, ऊपर आ गया। ये देखो यहाँ से नजारा, ये देखो गाइस पूरा गांव है, क्या है गाइस ये पूरा गांव है। ये देखो अंदर भी ऐसे खड्डे पड़े हैं, मैं जाता हूँ आगे आगे निकलता हूँ गाइस, ऊपर ही ऊपर जा जाके आपको सब पूरा नजारा बताता हूँ ऊपर से। ये देखो यार गाइस किस तरह से इनके मकान हुआ करते थे, जो भी एक्स वाई जेड एक नॉर्मल जो फैमिली का जो घर होता है उसी तरह से है गाइस। यार रही बात यहाँ के पत्थर भी वैसे गोल्डन ही है, तो गोल्डन में ही होगा। ये देखो और सबसे बड़ी बात है गाइस कि ये जो गांव है गाइस एक रात के अंदर खाली हुआ था गाइस, ये बहुत बड़ी है एक रात। और यहाँ पे बहुत सारे मकान है गाइस, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, कहाँ बोले तो हजारों मकान है गाइस, हजारों मकान एक साथ खाली हुए थे और गिर गया आपका भाई। तहरियों में आपके लिए किधर भी घुस रहा है, जा जाके बता रहा है। और यहाँ पे जो है एक अच्छी सी जगह भी बनी हुई है, शायद वहाँ पे कुछ हमें लोग है जो देखने को मिले। ये देखो गाइस अंदर अंदर चलते हैं, अंदर अंदर चलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है गाइस, इन लोगों के लिए देखो ना भाई रहने के लिए कैसा था अंदर, अंडरग्राउंड वगैरह सब कुछ। ये देखो चलते हैं अंदर, मेरा कैमरा वाला वो अलग ही है। देखो चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी थी यहाँ पे, चढ़ जाते हैं ऊपर आंख बंद करके। ये लो वाह, अगर गाइस आप लोगों को जो है यहाँ पे रुकने का बोले तो आपकी जो नाइट होल्ड है वो कैसी रहने वाली है, आप सभी बताना नीचे कमेंट में, कौन कौन जो है इस गांव में आके नाइट होल्ड कर सकता है। लेकिन आपका भाई जो है आपको चैलेंज देता है कि अगर आपका सपोर्ट और वीडियो को अच्छे से अच्छे लाइक मिले, सपोर्ट मिला आपके भाई को, तो एक दिन जो है आपका भाई यहाँ पे आकर आपको रह कर बताने वाला है गाइस। तो क्यों ना गाइस फटाफट से ऐसे जगह पे चलते हैं जहाँ पर जो विधान वगैरह जो हुआ करते थे रहते थे यहाँ पे, वो जगह आपको बता देते हैं। देखो सब बताऊंगा गाइस, पूरा बताने वाला हूँ पूरा आपको जो है, कहीं का कहीं तक ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के बताने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे ऊपर चढ़ के बता दो, ये लो ये छोटे छोटे घर है ऐसे, देखो ये देखो इतना दूर आ गया आपका भाई, जहां तक कोई दिखाई नहीं देता है वहां तक आपका भाई आ गया है। और अब जो है मैं जाता हूँ वहां, थोड़ा सा किला बना हुआ है, ओह क्या नाम है, मोस्ट हंटेड पैलेस, दुनिया की सबसे डरावनी जगह, भूतिया जगह गाइस। और यहाँ पर रात को आना ही नहीं है, मतलब आना ही नहीं मतलब समझ रहे आप, यहाँ पे आते ही नहीं, कोई आए ही नहीं है अभी तक गाइस। ये देखो यहाँ पे थोड़ा जो है व्यवस्थित बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर पूरा व्यवस्थित बना हुआ है गाइस। रात को यहाँ पे अजीब सी आवाज आती है गाइस, अजीब सी मतलब समझे आप,
ये देखो। ओ बाप रे, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत देखने को मिला है। ये देखो अंदर कुछ है तो नहीं रे। ओ बाप रे, इनके बाथरूम स्नान घर वगैरह। लो ये मेरा भाई कैमरामैन है, 2 मिनट के लिए कैमरा को हमने स्टॉप किया है। ये देखो भाई, वाह यार क्या बनावट है, देखो ना लकड़ी के जो है अंडर फिटिंग वगैरह, लाइट फिटिंग वगैरह सब कुछ अभी भी तो रह सकते हैं अगर, पर यहाँ पर जो है शराब दिया हुआ है कि इस गांव में कोई आके नहीं रहने वाला है, कोई आके यहाँ पे बसेरा नहीं करेगा। ये देखो गाइस, कबूतर भैंस की टांग। मैं और मेरा भाई गाइस बनावट कुछ इस तरह से बनावट की कोई है। ये देखो वो उसका मोबाइल लेके घूम रहा है, मैं मेरा मोबाइल लेके घूम रहा हुआ है। थोड़ा देर मोबाइल में ही शूट करते हैं, दो ही लोग हैं। ये देखो हाँ लास्ट तक बने रहेंगे। ये देखो सब बता दो भाई, वाह ये हॉल है गाइस, मुझे लगता है ये हॉल हुआ करता था, मेरे अंदाज से ये हॉल था गाइस। यहाँ पे बैठ के वो उनका जो है विचारधारा वगैरह जो भी करते थे एक्स वाई जेड, मैं था नहीं यहाँ पे लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ अंदाज से। ये देखो ये लोहे का बना पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल, और पंडाल से भी बड़ा ये देखो पूरा फुल तरह गांव। भाई ऊपर चढ़ जाता हूँ, ऊपर चढ़ जाता हूँ भाई। ये देखो वाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यहाँ पर देखो गाइस कितनी सुंदर जगह बनी हुई है यार, देखो अच्छे से मस्त एकदम जो लकड़ी की पूरी बनी हुई है, लाइटें वगैरह सब लकड़ी के है यार। यहाँ फर्श एक जो है और जो दीवारें हैं वो पत्थर से बनी हुई है, फर्श की पूरी देखो नीचे पूरी जो है बैठने के लिए पूरा पत्थर से बना हुआ है, बाकी सब लकड़ी से ही था यार पहले। यार देखो अंदर जो है जितने भी हॉल है हॉल के अंदर सब लकड़ी का काम किया हुआ है। भाई कैमरामैन है ये, इधर क्या है पुराने वो ऊंट वगैरह गड्ढे वगैरह बदला गड्ढे जो भी है। अब आपको फटाफट से पूरा एक बार गांव घुमा के लेके आ जाते। पालीवाल समाज, यहाँ पर जो गांव बसा हुआ था वो था पालीवाल समाज। क्या बनावट है गाइस देखो, वाह लिखा है यहाँ पर पालीवाल। ये देखो पालीवाल समाज जैसलमेर, यहाँ पे खिड़की का नजारा कुछ इस तरह से देखो, वाह वाह क्या डिजाइन है, क्या बनाया हुआ है, वाह डरावनी जगह तो है लेकिन गाइस ऐसे देख कर जो है यार दिल खुश हो जाता है यार, क्योंकि पुरानी ये देखो गाइस छोटी सी अलमारी देखने के लिए। लोग क्या पेंटिंग किए हुए पहले के जो कलाकार पेंटर्स सबका अलग कहना है। ये छोटी सी उपावरे देखो, वाह गाइस डर तो लगता ही है गाइस। अंदर बता दो इधर कुछ, अंदर जाने के लिए अंदर, वाह ये देखो पता नहीं गाइस अंदर क्या है लेकिन देखो अंदर जाने के लिए। बनी हुई गाइस, लाइट 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 मारना, लाइट मारना 2 मिनट क्या है अंदर, लाइट मारना कितना, ओ अंदर है लाइट मार, लाइट मार। आप वगैरह जो साफ वगैरह
चलता था, छोटे छोटे कमरे यार। अब तो जाते हैं लोग तो यहाँ पे नाम वगैरह सब ऐसे ही लिख दिया। साइड में एक छोटा सा दरवाजा है खिड़की के जैसा, यहाँ पर भी सेम रूम है, आकृति जो है सभी एक जैसी है। ये देखो बनावट बाहर से गोबर के लेप से बने हुई है। ये दो तीन मकान जो है वो ठीक से बने हुए हैं, मतलब बाकी के जो सब है वो बिखर गए हैं। गाइस कुलधरा का गांव का एंड, यहाँ पे जो है पूरी की पूरी बाउंड्री लगा दी है। ये रास्ते है, ये देखो ये लास्ट है, ये इधर गांव में ये सब वापस यहाँ से सब जगह से जाने के लिए रास्ते है गाइस। बस ये देखो गाइस, प्लीज यार गाइस आपके भाई के लिए देखो यार, यहाँ पे पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ ये ठीक है कि हम लेके जरूर आए एक बोतल, लेकिन गाइस यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लोग ही नहीं है तो क्या करें, आपके भाई के यार मेहनत के लिए लाइक का बटन आपको ठोकना ही है यार, ठीक है गाइस। और प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपके सपोर्ट के सिवा हम कुछ भी नहीं है। आपके भाई को यार सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। गाइस कुलधरा गांव के अंदर बहुत घूम लिया गाइस, और अभी तक है वैसे गांव के अंदर ही है। वो देखो वो पूरा का पूरा पीछे गांव है गाइस। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ये वास्तव में यहाँ के देखने के लायक है। ये देखो गाइस ये है बावड़ी, इन लोगों के लिए जो पानी वगैरह था यहाँ से जाता था गाइस। तो अब अंदर जाके आप देखो गाइस, ये है बावड़ी, ये है इसकी बनावट, ये देखो पूरा बावड़ी। डर तो लगता है गाइस, अब बहुत टाइम से यार ऐसे पड़ी है यार, तो डर तो लगता ही है ना यार। ये देखो वाह, ये ऊपर से गाइस, ये है गाइस वाव, वाह है यार, इधर तो बहुत। ये देखो अब गाइस मैं जाता हूँ एकदम बीचो बीच। ओह यहाँ से ऊपर और आपका भाई नीचे ग्राउंड, ये देखो। तो ये था यहाँ का नजारा गाइस, कैसा लगा है आपको यार? भाई के लिए यार लाइक का बटन गाइस। यार अब जो है आपका भाई यार पूरा गांव घूमते घूमते थक गया है गाइस, यहाँ पर जो है हम बावड़ी के पास में आके बैठे हैं। तो आप मुझे लगता है वीडियो ख़त्म कर दे, प्यास भी लगी है गाइस। आपका भाई पूरा गांव घुमाए यार गाइस, 2-3 किलोमीटर का दायरा है पूरा गांव में गाइस, पूरा घूम के आए, आपको सब कुछ दिखा के आए गाइस। तो आपके भाई की मेहनत के लिए यार वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को रेड कलर का जो सब्सक्राइब दिख रहा है उसे तोड़ के ही डाल दो, बार बार सब्सक्राइब करने की झंझट मारी, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख देना, अब वीडियो जो है आते रहेंगे और भी बहुत कुछ आपको बताते रहेंगे। तो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार इंटरटेनमेंट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।